वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद इसकी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि इसमें हम कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड्स जानेंगे और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है इनमें से कौन से वर्ड्स से मैच करती हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है someone who is very interested in science or technology, particularly in computers। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा साइंस में और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हो और ख़ास तौर पर कंप्यूटर्स में, तो आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप एक पर्टिकुलर वर्ड से बुलाना चाहते हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से मिलती है लेकिन आपको वो वर्ड नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इंसान जो साइंस में इंटरेस्ट रखता हो और पर्टिकुलरली कंप्यूटर्स में, तो इंग्लिश में आप उसे कहेंगे नर्ड। नर्ड, समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस और टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इन कंप्यूटर्स। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग वर्ड। नेक्स्ट इज समवन हु हैज़ वेरी लिटिल इमोशंस रिगार्डेड एज हार्ड हार्टेड। कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इमोशंस बहुत कम हो, मतलब वो कम इमोशनल होता हो, और उसको हार्ड हार्टेड कहते हो, मतलब उसका जो दिल है वो बहुत सख्त हो या फिर पत्थर जैसा हो, तो ऐसे इंसान को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऐसे इंसान को इंग्लिश में आप कहेंगे कोल्ड फिश। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो आप कह सकते हैं ही टॉक्स वेरी रेयरली, ही इज़ अ कोल्ड फिश। तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर इमोशंस बहुत कम है और उसका जो दिल है वो सख्त है, तो इस तरह के इंसान को आप कोल्ड फिश कहेंगे। नेक्स्ट इज समवन हु प्रेफर्स हिज ओन कंपनी एंड डज नॉट लाइक सोशलाइजिंग। मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको अकेले रहना पसंद हो, वो किसी के साथ सोशलाइज ना करना चाहता हो और वो हमेशा अपना वक्त ज़्यादातर जो मैक्सिमम अपना टाइम है वो अकेले ही गुजारता हो, तो ऐसे इंसान को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऐसे इंसान को आप कहेंगे लोन वुल्फ। लोन वुल्फ, समवन हु प्रेफर्स हिज ओन कंपनी एंड डज नॉट लाइक सोशलाइजिंग। वो बातचीत नहीं करना चाहता लोगों से और ना ही मिलना जुलना उसको पसंद होता है, तो ऐसे इंसान को आप लोन वुल्फ कहेंगे। नेक्स्ट इज अ क्लेवर और विटी पर्सन। एक ऐसा इंसान जो चालाक हो और बहुत ज़्यादा तेज़ हो, मतलब चीज़ों को समझने में और कोई भी सिचुएशन हो तो वो अंदाज़ा लगा रहे, इस तरह के जो कुछ टेढ़े दिमाग के लोग होते हैं, तो ऐसे इंसान को आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? ब्राइट स्पार्क। अ क्लेवर और विटी पर्सन, ब्राइट स्पार्क, ही इज़ और शी इज़ अ ब्राइट स्पार्क। नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट। एक ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ये सच है कि हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो कुछ ज़्यादा ही बोलता है लेकिन हम कभी उसके सामने कह नहीं पाते, लेकिन हमें पता होता है कि ये ज़्यादा बोलता है, तो ऐसे इंसान को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट। है ना कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट इज समवन हु लाइक्स टू अटेंड पार्टीज अ लॉट। एक ऐसा इंसान जिसे पार्टी अटेंड करना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना पसंद हो, ऐसे इंसान को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिसे पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। खैर मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे इंसान को इंग्लिश में कहेंगे पार्टी एनिमल। ही इज़ अ पार्टी एनिमल, मतलब ये कि उसे पार्टी करना, पार्टी अटेंड करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना मस्ती करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज समवन हु हैज़ ग्रेटर एबिलिटीज़ दैन ही शोज़। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ज़्यादा एबिलिटीज़ हो, जितना उससे ज़्यादा जितना वो शो करता हो, मतलब उसके अंदर कुछ हिडन क्वालिटीज़ हो जो वो छुपा के रखता हो लेकिन कई उससे बढ़कर जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हो, तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? डार्क हॉर्स। ही इज़ अ डार्क हॉर्स, समवन हु हैज़ ग्रेटर एबिलिटीज़ दैन ही शोज़। जितना दिखाता है उससे बढ़कर अगर उसके अंदर क्वालिटीज़ है तो ऐसे इंसान को आप कहेंगे डार्क हॉर्स। और लास्ट है अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मतलब ये कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहता हो, हमेशा सेटिस्फाइड रहता हो, कभी शिकायत ना करता हो चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन उसके चेहरे पे कभी भी नेगेटिविटी या उसके मुंह पे ज़बान पे कभी भी कोई नेगेटिविटी ना आती हो, तो ऐसे इंसान को आप इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी कैंपर। ही इज़ अ हैप्पी कैंपर, मतलब एक ऐसा शख्स
अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जो हमेशा खुश रहता हो और सेटिस्फाइड रहता हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से लाइक करें, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाती रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।